खरगोन जिले के सेगांव में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण प्रभारी तहसीलदार और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले 8 व्यापारियों की दुकानें सील की गई है, जिसमें होटल, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक का सामान की दुकानें शामिल है। इस मौके पर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे, नायब तहसीलदार जागृति जाट, चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्या, आरक्षक कृष्णकांत चौहान मौजूद थे। आज 8 दुकानों की सील करने की कार्यवाही से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। सेगांव में अभी 35 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आज क्या कार्रवाई की गई? आज सेगांव क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए व्यक्तियों की दुकानें सील की गई आगामी आदेश तक। और कोई मास्क पे भी कार्रवाई की क्या? मास्क नहीं पहनने वालों पे भी चालानी कार्रवाई की गई, 100 रुपये का जुर्माना लगा। और कुछ दुकानदार भी बिना मास्क के सामान विक्रय कर रहे थे, उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की। क्या नाम लिखते हैं सर आप? प्रभारी तहसीलदार राकेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।